In this video, we are discussing the self-reveal threat and the another is advocacy threat. So let's start away. Okay. Now, what is self-reveal threat? Self-reveal threat. यानी कि आप खुद ही review कर रहे हैं वो चीज़ जो आपने की और आप ही उसी को review कर रहे हैं. Which occur when during a review of any judgment. Self-review threat क्या होता है? ये तब अगर होती है when during a review of any judgment and conclusion reached in a previous audit. आप उसी चीज़ को review कर रहे हैं, judgment को, किसी conclusion को reach जो कि previous audit में हुई थी. Non-audit engagement, non-audit service include any professional service provided to an entity by an auditor other than or review of the financial statement. यानी कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आप वो चीज़ें कर रहे हो जो कि एक ऑडिटर की लिस्ट में नहीं है. यानी कि एज पर सेक्शन 144 जो बोलता है कि ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस, दीज आर द नॉन प्रोफेशनल सर्विस. तो अगर आपने क्या आता है इसमें, दिस इंक्लूड अगर आपने पहले कोई मैनेजमेंट सर्विस दी थी, इंटरनल ऑडिट की थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दी थी, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को एक्सेट्रा, तो इसमें आप उसी चीज़ को रिव्यू कर रहे हो. मतलब है ना, मेम्बर ऑफ ऑडिट टीम, ऑडिट टीम जो मेम्बर है अभी ऑडिट टीम का, वो उससे पहले क्या था, डायरेक्टर था, सीनियर एम्प्लॉय था क्लाइंट का. इंस्टेंट वेयर सच थ्रेट कम इन टू प्ले, जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब पहले तो वो क्या था, डायरेक्टर था, सीनियर एम्प्लॉय था, जिसकी वजह से थ्रेट आया. व्हेन ऑडिटर हैव रिसेंटली बीइंग अ डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर था कंपनी का, और अब क्या कर रहा है, व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विस दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट. मतलब वो वही काम को चेक कर रहा है जो कि खुद ने उसने किया. हम क्या करते हैं ऑडिट में, हम अकाउंटिंग वाले पीपल के काम को चेक करते हैं, बट उसमें क्या हो रहा है सेल्फ रिव्यू में, कि उसी ने कोई काम किया था. व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विस, मतलब दो सर्विसेज विच इज़ परफॉर्म बाय दैट पर्सन इट्सेल्फ, नाउ ही इज देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, उसी का ऑडिट कर रहा है. दैट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट एडवोकेसी थ्रेट. एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है, विच अकर व्हेन द ऑडिटर प्रमोट और इज परसीव टू प्रमोट. जहाँ पे ऑडिटर या तो प्रमोट कर रहा हो या परसीव टू प्रमोट या करने वाला हो क्लाइंट की ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव, क्लाइंट की ओपिनियन तक जहाँ वेयर द पीपल में बैठी हो. अरे वो लक्ष्य थे ले छोरा. ये तब अकर होती है जब ऑडिटर को या तो वो प्रमोट करता है या फिर परसीव टू प्रमोट करने वाला होता है क्लाइंट की ओपिनियन टू अ पॉइंट, उस पॉइंट तक जहाँ पे लोगों को क्या लगता है, वेयर द पीपल मे बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई. जबकि हमें क्या पढ़ाया होता है कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. ही शुड नॉट बी बायस और ओवर प्रीजुडाइज टू ओवरराइड हिज ऑब्जेक्टिविटी. पर यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो गई है. ये कब लगेगा, जब ऑडिटर जो है डील कर रहा है शेयर्स और सिक्योरिटी में ऑफ द ऑडिट, मतलब ये उसी शेयर्स और सिक्योरिटी में खुद भी डील कर रहा है जिसकी उसने ऑडिट की है तब, और बिकम द क्लाइंट एडवोकेट, क्लाइंट का एडवोकेट एंड लिटिगेशन में एडवोकेट बना हो, एंड थर्ड पार्टी के डिस्प्यूट में. तो एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है, विच अकर व्हेन द ऑडिटर प्रमोट और परसीव टू प्रमोट. जब ऑडिटर प्रमोट कर रहा हो, परसीव टू प्रमोट क्लाइंट की ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव, जहाँ लोगों को लगे कि ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है, तो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ दी एडवोकेसी थ्रेट. करेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम फैमिलियरिटी थ्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे. हियर हमारा मेन कंसंट्रेशन इज़ ऑन द सेल्फ रिव्यू थ्रेट एंड एडवोकेसी. ऑलराइट.